हेलो एवरीवन, वेलकम टू द होप स्टडी। आज हम लोग हिस्ट्री क्लास 6 एनसीईआरटी एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड आंसर्स लेसन 1 to 12 यानी कि टोटल चैप्टर्स का क्वेश्चंस एंड आंसर्स को लर्न करेंगे, ठीक है, जो कि आपके स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टोटल चैप्टर्स हिस्ट्री। चैप्टर 1 है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ठीक है, और लास्ट चैप्टर है चैप्टर 12, बिल्डिंग, पेंटिंग्स एंड बुक्स। ओके, तो ये है हमारा टोटल चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर देख लीजिए, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ओके, इसमें है ये एनसीईआरटी फोल्डर यानी कि एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चंस एंड आंसर्स। यहाँ देखिए पेज नंबर भी दिया हुआ है, ओके, जिसमें हर तरह का क्वेश्चंस है, कहीं पर भी पेज नंबर आप देख करके आराम से फाइंड कर सकते हैं। मैच द फॉलोइंग्स भी हैं, ठीक है, हर तरह का जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं एनसीईआरटी के बुक्स में वो सारा है, पहले हम यही देख रहे हैं। ओके, तो ये हमारा एनसीईआरटी चल रहा है, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप है। फिर 6, इस तरह से पूरा मिक्स करके पेज नंबर भी है, देखिए पेज नंबर 10 का ये क्वेश्चंस, तो आप पेज नंबर से इजीली फाइंड कर सकते हैं जो भी क्वेश्चंस है किसी भी तरह का एनसीईआरटी के बुक में सब। अब है ये चैप्टर प्रैक्टिस यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, क्योंकि एनसीईआरटी उतना था, थोड़ा सा ही था। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है पहले एक्स्ट्रा में, उसके बाद है ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स। ओके, ये हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड आंसर्स हुआ। अब है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स जो कि एक्स्ट्रा है। देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसलिए हमें लर्न करना पड़ रहा है क्योंकि जितना कॉन्सेप्ट दिया हुआ है चैप्टर के अंदर उसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में क्वेश्चंस बहुत कम है, तो इसलिए हमें ये एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। ओके, आप पॉज करके आराम से लिख सकते हैं क्वेश्चंस का आंसर्स। ओके, ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चंस आपके पास है उसका आंसर इसमें नहीं होगा, मे बी थोड़ा सा चेंज होता है, आपको पता ही है पूछने का तरीका थोड़ा सा वे चेंज हो जाता है, तो हमें लगता है कि दूसरा क्वेश्चन है, बट आप थोड़ा ध्यान से लर्न करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो वो क्वेश्चन है। देखिए लॉन्ग आंसर टाइप भी हम लोग लर्न कर चुके हैं, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है यानी कि मिक्सड, पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, देन ट्रू फॉल्स, और फिर ये मैचिंग टाइप क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस है क्योंकि देखिए हिस्ट्री हम बिना पिक्चर्स, बिना ये स्कल्पचर या जो भी हमें मटेरियल्स मिले हैं हिस्टोरिकल्स, ठीक है, उसके बिना हम लर्न कर नहीं सकते हिस्ट्री, तो इसलिए पिक्चर बेस्ड। अब ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ पर हिस्ट्री का कौन सा एरिया हमें मिला था, वो सब प्रूफ कहाँ मिले, वो सब मैप बेस्ड क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में कहाँ पे हिस्ट्री का कौन सा टाइम था। अब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ ये है चैप्टर 2, मतलब ये कि अब चैप्टर 2 बिल्कुल उसी वे में, उसी पैटर्न पे, चैप्टर 2 का पहले एनसीईआरटी फोल्डर, फिर आपको मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जिसमें मिलेंगे मल्टीपल चॉइस, देन मिलेगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, देन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, देन उसके बाद मिलेगा मिसलेनियस क्वेश्चंस, ठीक है, और फिर उसके बाद मिलेगा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, देन मैप बेस्ड क्वेश्चंस एंड आंसर, और लास्ट में कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेगा जो खुद से करना है आपको, उसके आंसर नहीं मिलेगा। ओके, तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप लेसन 12 तक क्वेश्चंस एंड आंसर्स को लर्न कीजिए, ठीक है, और पॉज करके आप आराम से लिखिए। देखिए इतना एक्यूरेट वर्ड्स में आंसर्स दिए हुए क्वेश्चंस के कि इतने कम वर्ड्स में इतना सटीक तरीके से आंसर आपको हर जगह नहीं मिलेगा। आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो बहुत लेंदी आंसर मिलता है क्वेश्चंस का, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि आप हम यहाँ से इसमें से कितना लिखे कितना नहीं लिखे, आंसर का कौन सा पार्ट लिखे कौन सा पार्ट नहीं लिखे,
ठीक है, कन्फ्यूजन होता है, बट यहाँ पे आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्वेश्चंस के नीड के अकॉर्डिंग ही आंसर्स दिया हुआ है। ओके, तो आप प्रिपेयर कीजिए, इससे बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए क्वेश्चंस को, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आपको टोटल क्वेश्चंस एंड आंसर्स करना ही है, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग पिक कर सकते हैं क्वेश्चंस। ओके, सो आप प्रिपेयर कीजिए, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। Thank you.
हैं।